हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन आपकी और आपके आप दोनों बहन भाइयों की। हमेशा यूनिवर्स खुशियों से झूली भरे, हमेशा आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे और हमेशा आप दोनों का प्यार इसी तरह बरकरार रहे। तो आज की जो चैनलिंग है, आज की फुल मून की एनर्जी है और ये जो फुल मून की एनर्जी है थोड़ा सा अजीबो और गरीब है। अजीबो गरीब इसलिए है क्योंकि हमारी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है ये दोनों ही थोड़ा सा ब्लैंक एनर्जी को फील कर रहे हैं और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे थॉट आपके रुक गए हैं, या एक बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक ब्लैंक अंदर से फील हो रहा है। ना तो आप चाहकर भी कुछ सोच पा रहे हैं, ना चाहकर आप समझ पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपके ब्लैंक एनर्जी आपको फील हो रही है और कुछ हमारी फैमिलीन एंड मैस्कुलिन एक दूसरे से भाग रही है। भागने से मतलब है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन चूज़ कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़ के जाना चाहती हैं, लेकिन अभी राइट नाउ आपका थोड़ा सा इंटेंस नहीं हो रहा, उनसे बात करने का मन नहीं हो रहा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चीज़ें अगर होल्ड में रहे तो अच्छा है। और अभी क्या है कि थोड़ा सा अंदर से पीस भी है और थोड़ा सा बेचैनी टाइप भी है, लेकिन कभी कभी आपको बहुत सुकून फील हो रहा है तो कभी कभी बहुत अजीब सा, मतलब अंदर से लगता है कि जैसे कुछ अंदर भरा हुआ है और जिसे निकालने की ज़रूरत है। एक बर्डन सा आपको फील होता है, लेकिन ये जो फुल मून एनर्जी है ये आपको इनलाइटमेंट के लिए लेके आई है। जैसे कि अभी हम इस पोर्टल से गुजर रहे हैं 88 वाले से, और इसी के चलते हुए जो हाई एनर्जी हमारी डेवलप हुई है वो हमारी इसी वजह से हुई है, क्योंकि जो मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी हमारे इमोशंस को डबल कर देती है, हाई कर देती है। तो इतने टाइम से हम बैलेंस और पीस में रह रहे थे, साथ में हम अपने आप को इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रहे थे, तो वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जिसके चलते आपको थोड़ा सा जो ब्लैंक फील हो रहा है, वो ब्लैंक फील भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो भी तुम उस चीज़ को भी थोड़ा सा इल्यूज़न में लेके जा रहे हो कि ये कहीं टॉक्सिक एनर्जी तो नहीं है, कहीं मैं इनबैलेंस तो नहीं हूँ, या फिर ज़्यादा आपको लग रहा है कि जैसे कि किसी नेगेटिव एनर्जी में तो नहीं फंस गई हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर से थोड़ा सा खालीपन आया है तो हम सबकी क्या है कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और हम सबकी एक आदत होती है कि हम आराम से बैठना पसंद नहीं करते हैं, और थोड़ा सा भी खाली होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है जिसमें हम अपने आप को बिज़ी रखें। तो हमारे अंदर 24 घंटे मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बाहर अगर हम साइलेंट हैं तो अंदर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और अंदर हम साइलेंट हैं तो बाहर कुछ ना कुछ करने को हमारा दिल करता रहता है। तो इस तरह से हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वो इस पैटर्न से जैसे तोड़ रही है, उस लूप को तोड़ रही है। तो इसके चलते आपको जो वो थोड़ा सा खालीपन मिला है तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को गो विद द फ्लो की तरह बहते रहना है। जैसे कभी आपने नदी को बहते हुए देखा है तो ऐसे ही फील करो कि बस आप बह रहे हो, और अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना है। बस आपको अब्जॉर्ब करना है, देखना है, और बिल्कुल भी अपने आप को उस चीज़ से रिलेटेड नहीं करना, उस चीज़ से कनेक्ट नहीं करना, ठीक है? तो गो विद द फ्लो की तरह अपने आप को बस बहते रहना है, क्योंकि ये जो इनलाइटमेंट है ये आपकी पूरी माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों को इनलाइटमेंट में लेके आ रहा है। एक तरह से ट्रायंगल जो हमारा होता है, वो जो ट्रायंगल है वो हमारा यही इंगित करता है, जैसे माइंड बॉडी एंड सोल को इंगित करता है, और इसी तरह हमारे जीवन में हर चीज़ से इनके ऊपर पूरा लाइफ जो है टिका हुआ है। तो इसके चलते हुए आपको बैलेंस अपना साधना है। तो जैसे ही बैलेंस की ओर आप बढ़ रहे हैं तो आपका ना तो किसी चीज़ के लिए कुछ फीलिंग हो रही है, ना किसी चीज़ के लिए दुख हो रहा है, ना आप खुशी में खुश हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुख मना रहे हैं, लेकिन खुश भी हैं, लेकिन उस खुश से आप अटैच नहीं हो पा रहे और ना ही आप दुख से अटैच हो पा रहे हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों से आप दूर हो रहे हो तो वैसे ही आपके अंदर एक पावर
अनलॉक हो रही है, आपके अंदर एनर्जी अनलॉक हो रही है, और उससे पहले आपको साइलेंस फील हो रहा है जिसके चलते आपको ये एनर्जी समझ में नहीं आ रही है। तो आपको समझना कुछ नहीं है, बस जिस तरह से आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए जो भी मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए और अपने आप को बस इसी तरह अलाइन में रखिए। तो या ये है न्यू फुल मून की एनर्जी। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है। रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।